मार्च के महीने में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारों में से 7 कारें मारुति सुजुकी की रही। इस बार हमें बेस्ट सेलिंग कार को लेकर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला, जहां लंबे समय से मारुति सुजुकी बलिनो और मारुति ऑल्टो में पहले पायदान को लेकर मुकाबला चल रहा था, तो वहीं मार्च में मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने यहां पर बाजी मार दी। जी हां, मारुति स्विफ्ट मार्च में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की बीते महीने 17,559 यूनिट्स बिकी हैं। लिस्ट में दूसरे पायदान पर वैगनार, तो वहीं तीसरे पायदान पर मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। वैगनार की टोटल यूनिट 17,305, तो वहीं मारुति सुजुकी ब्रेजा की कुल यूनिट्स की बिक्री 16,227 रही। चलिए आपको भी मारुति स्विफ्ट की कीमत और इंजन के बारे में आज की इस वीडियो में थोड़ी डिटेल दे देते हैं कि क्यों ऐसा, क्या हमें मारुति स्विफ्ट में देखने को मिलता है जिसकी वजह से इसकी बिक्री इतनी ज्यादा हो रही है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मारुति स्विफ्ट की जो कीमत है वो 5.99 लाख रुपए से लेकर 9.01 लाख रुपए के बीच है। ये एक पेट्रोल इंजन और 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ 9 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जिसमें 1.2 लीटर K12 सीरीज डुअल जेट डुअल VVT इंजन मिलता है, जो कि 89 BHP और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसी के साथ इसे 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन में 23.20 किलोमीटर पर लीटर और AMT गियरबॉक्स के साथ 23.76 किलोमीटर पर लीटर का रिटर्न देती है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो मारुति स्विफ्ट 3 डुअल टोन ऑप्शंस में आती है। इसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED DRL, 15 इंच के अलॉय व्हील्स, फ्लोटिंग रूफ दिया गया है। स्विफ्ट में 5 लोगों के बैठने की क्षमता है और ये भारतीय कार बाजार के 20 सेगमेंट में मौजूद है। वहीं ह्यूंडई ग्रैंड टैनियोस, टाटा टिगोर और रेनॉल्ट ट्राइबर जैसी गाड़ियों से इसकी टक्कर होती है। इसी के साथ इसमें हमें 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल, ऑटो AC और LED DRL के साथ LED हेडलाइट्स भी इसमें शामिल की गई है। इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, हिल होल्ड कंट्रोल के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं।